सुशांत के केस में आज तीन बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है जिसका हर किसी को इंतजार है। ये तीनों डेवलपमेंट जो है, कल इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी कि ये तीनों चीजें जो हैं आज होंगी, जिससे एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसकी सच्चाई पता चलेगी। क्या है ये खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडोप आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो एम्स को चिट्ठी लिखने वाले हैं कि उनको जो है ये रिपोर्ट दी जाए कि एम्स की इस रिपोर्ट का आधार क्या है, अगर उन्होंने इस तरह की कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार की है तो किस आधार पर की है, और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सेलेक्टिव मीडिया को सिर्फ बयान क्यों दिया। तो एक ये जो है आज बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरी जो बड़ी चीज़ सामने आ रही है, मनोज तिवारी ने जो कि सांसद और अभिनेता है, कल साफ साफ कहा था कि मैं एम्स को चिट्ठी लिखूंगा और मैं जवाब मांगूंगा इस पर कि ये जो है जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यू टर्न मारा है 42 डेज में, उस यू टर्न का आधार क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या कोई दबाव है, और अगर उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी है तो उसका आधार क्या है। तो ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। तीसरा, सुशांत का परिवार सीबीआई डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखने वाला है। इस तरह का विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील है, उन्होंने बयान दिया था। तो हो सकता है आज जो ये दो डेवलपमेंट है, डॉक्टर हर्षवर्धन का चिट्ठी लिखना, मनोज तिवारी चिट्ठी लिखने वाले हैं, वो आज ही होने वाला है, और साथ में सुशांत का परिवार जो है, उनके जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने ये कहा था कि हमें एम्स की रिपोर्ट जब पता चलेगी उसके बाद जो है मैं चिट्ठी लिखूंगा कि उनकी जो डाउट्स हैं कि किस आधार पर ये कंक्लूसिव रिपोर्ट बनाई गई है, क्योंकि जिस पीएम के आधार पर बनाई गई है उसमें ही अपने आप में लूप होल्स थे। तो आज ये तीन बड़ी डेवलपमेंट जो है हम सुशांत के केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज जो है थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि रिया को बेल मिलती है या उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी जो है कोर्ट में पेशी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और थोड़ी देर में ये सारी बातें जो है पता चल जाएगी। लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, मनोज तिवारी का चिट्ठी लिखना, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से चिट्ठी जाना, और सुशांत का परिवार इन सारी चीज़ों पर क्या कॉल लेता है, इस पर सभी की नज़र है।